जय हिंद दोस्तों। आज 16 मई सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे रिटायरमेंट के बाद सीए 24,000 रुपए से 30,000 रुपए होगा। केएसबी ने ये जानकारी दी है। केएसबी के में मैं गया था और वहां से ये जानकारी मिली है। आर्मी एजुकेशन कोर के जेसीओ ओआर को मिलेगा बीएड का दर्जा, यानी कि अब जो आर्मी एजुकेशन कोर के जो सैनिक हैं वो रिटायर होंगे तो वो बीएड के बराबर माने जाएंगे। जेसीओ की सर्विस अब 30 साल होने पर उनकी मिनिमम बेसिक पे 29,200 हो जाएगी। आपको एक पीपीओ दिखाएंगे, इसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे 29,200 रुपए हो जाएगी बेसिक। जेसीओ ओआर ऑफिसर के बच्चों के लिए स्पोर्ट्स में गजब का मौका है। कल से शुरू हो रहे हैं भर्ती प्रक्रिया। नगर निगम में कर्मचारियों की को सेना की वर्दी दी जा रही है। एक्स सर्विसमैन ने इस पर हंगामा किया है कि सेना की वर्दी पर उनकी सेना की बदनामी होगी अगर नगर निगम को सेना की वर्दी दी जाएगी। सैनिकों के साथ खुलेआम भेदभाव हो रहे हैं। कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। इक्वल एमएसपी भी इसी से जुड़ा है और अग्निवीर का मुद्दा भी इसी से जुड़ा है। जेसीओ ओआर की नई भर्ती जबरदस्त भर्ती निकली हुई है। मल्टीटास्किंग स्टाफ और एलडीसी की भर्ती है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पहली खबर पर बात करते हैं, रिटायरमेंट के बाद सीए पर बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, दो दिन तक मैंने सैनिक न्यूज नहीं डाल पाया था और उसके बाद कई सैनिकों ने कमेंट किया है, कई व्यूअर्स ने कमेंट किया है, सर दो दिनों से सैनिक खबरें नहीं आ रही हैं, जिसकी वजह से दूसरे यूट्यूब चैनल को के 10 वीडियो देखने पड़ते हैं, आपके जो एक वीडियो में ही सारी खबरें आ जाती हैं। तो उन्होंने कहा है कि सैनिक खबरें क्यों नहीं दे रहे, तो बता दें मैं दो दिन से केएसबी में गया था क्योंकि कई मुद्दे ऐसे थे केएसबी के जो हल नहीं हो रहे थे, ना तो वहां से रिप्लाई आ रहा था। उसके बाद केएसबी में गया था और कई पेंशनर्स की जो समस्या थी वो लेके गया था। उसके बाद मैं बता दूं कई पेंशनर्स के और भी कमेंट आए हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। एक कमेंट आया है, सर राम राम, मेरे को जो मेरा जो काम रुका था वो हो चुका है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपने ये मेरा काम करा दिया। आप देख सकते हैं 67,813 रुपए पेंशन में आया है, उनका क्रेडिट हुआ है 11 मई 2024 को। तो ऐसे जो काम है, कई दिक्कत आपको आती है तो उसके लिए किसी भी ऐसी कोई दिक्कत होती है तो जरूर आप कमेंट करें। और व्हाट्सएप पे जो लिंक है, सभी राज्यों के लिंक मैंने दिए हुए हैं, अगर आपकी कोई ऐसी समस्या है तो जरूर कमेंट करें, उसका मैं आपको जरूर उसका कोई सही और सटीक रास्ता बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं सीए। सीए के लिए मैं कल गया था केंद्रीय सैनिक बोर्ड में, वहां से जानकारी मिली है कि अब आपका जो सीए है वो 24,000 से 30,000 रुपए होने वाला है रिटायरमेंट के बाद जो हम क्लेम करते हैं। तो सभी सैनिक सीए अपना जरूर क्लेम करें। मैंने सीए का एक डिटेल वीडियो बनाया है कैसे फार्म भरा जाएगा, उस वीडियो को जरूर देख लें क्योंकि वो वीडियो ऐसा है कि आप पूरा स्टेप बाय स्टेप फार्म भर सकते हैं, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। अब बात कर लेते हैं कि एक पेंशनर थे जिनका 2022 जो 2023-24 का सीए उन्होंने क्लेम करने के लिए दिया था, उसके बाद ऑब्जर्वेशन आई थी कि 30 दिन के अंदर रेक्टिफाइड करनी होगी और उसका ऑब्जर्वेशन इन्होंने 30 दिन के अंदर नहीं दिया था। इसके बाद केएसबी से वो रिजेक्ट कर दिया गया था। तो आप जब ऐसे मामले में केएसबी से रिजेक्ट हो जाता है तो बाद में फिर आप केएसबी को ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने के बाद जब केएसबी को ईमेल करेंगे कि हम इस कारण से आपको रेक्टिफाई नहीं कर पाए या आपका ऑब्जर्वेशन को हम देख नहीं पाए, तो उसको फिर आपका फिर ऑब्जर्वेशन डाल दिया जाता है जिसको आप फिर अपडेट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, एक बड़ी अपडेट है, सेना में यूएई रहे सैनिकों को शिक्षा विभाग में शिक्षक बनने की का मौका मिलेगा। मदन दिलावर ने दिए हैं संकेत, एक्स सर्विसमैन के लिए जबरदस्त मौका है। बता दें राजस्थान में अब पूर्व सैनिकों को शिक्षा विभाग में शिक्षक बनने के लिए प्रावधान तय किए जा रहे हैं। हालांकि वही पूर्व सैनिक शिक्षक बन सकेंगे, वही पूर्व सैनिक शिक्षक बन सकेंगे जो बतौर एजुकेशन कोर में रहे हूं और एजुकेशन मास्टर रहे हूं, वही इसमें उनको बीएड का दर्जा दिया जाएगा और बता दें बीएड के बराबर उनको एक सर्टिफिकेट दी जाएगी और वो डायरेक्ट टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बीएड की डिग्री दी जाएगी। और बता दें टीचर भर्ती में जो भी प्रक्रिया होती है वो बीएड जब आप एजुकेशन बोर्ड से रिटायर होंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट दी जाएगी जो बीएड के
बराबर रहेगी। तो ये राजस्थान में ऐसा हो रहा है, तो बाकी प्रदेशों में भी ऐसा होना चाहिए। ये पूर्व सैनिकों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। लेकिन हालांकि कुछ दिन पहले इन्होंने एक वीडियो में कहा था कि हम सभी पूर्व सैनिक को देंगे, लेकिन अब इन्होंने कहा है कि सिर्फ एजुकेशन कोर को ही बीएड की तरजीह दी जाएगी, बीएड का दर्जा दिया जाएगा। बात कर लेते हैं जेसीओ, अगर 30 साल में रिटायर होते हैं, यानी कि सूबेदार से आप 30 साल में रिटायर हो रहे हैं या नायब सूबेदार से 30 साल में रिटायर हो रहे हैं, तो मिनिमम बेसिक आपकी 29,000 रुपए होनी चाहिए। एक सूबेदार है जिनका मैं बता दूं 30 साल इन्होंने सर्विस की है और ये रिटायर 2020 में हुए हैं, उसके बाद इनकी जो बेसिक है बहुत कम आ रही है। ऐसे कई सूबेदार हैं जिनकी बेसिक कम आ रही है। आपको मैं बता दूं उनको पे लेवल 7 की मिल रही, लेकिन कम से कम इनको पे लेवल 8 की सैलरी मिलनी चाहिए। और बता दें इनकी पेंशन जो आ रही है 27,850 रुपए आ रही, लगभग 2,000 रुपए इनकी कम आ रही है। और इसका कारण यही है कि पे लेवल इनका सही नहीं जोड़ा गया है। पे लेवल 7 की पेंशन 27,800 के आसपास ही बनती है, पे लेवल 8 की 29,000 के आसपास बनेगी। और ऐसे एक सूबेदार साहब है उनकी पे लेवल जो 8 की सैलरी है उनकी 29,000 रुपए कुछ 29,000 कुछ रुपए है। तो ऐसे सूबेदार जो भी जिनकी पेंशन पे लेवल 7 की आ रही है उनमें संशोधन किया जा सकता है, इसके लिए आप रिमेंस डाल सकते हैं। बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स में जबरदस्त मौका है सैनिकों पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए। बता दें ये ऑल इंडिया में ओपन इंडक्शन रैली आयोजित की जा रही है और ये रक्षा मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी की है 13 मई 2024 को। इसमें कहा है कि 17 से 19 मई 2024 तक बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी में आर्टली सेंटर नासिक में कैंप ताइक्वांडो खेल के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि पूर्व सैनिक सैनिकों के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। और बता दें कि 8 साल के बच्चे से 14 साल तक के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं, जिनकी हाइट भी एज के हिसाब से उनकी हाइट दी है, इस हाइट के बच्चे होने चाहिए और वजन भी होना चाहिए। तो ऐसे बच्चे जा सकते हैं, इसमें जबरदस्त मौका है। आर्टली सेंटर में 17 यानी कि कल से ये भर्ती है, 2 दिन ये भर्ती होगी, जिसमें डॉक्यूमेंट आपको ये ले जाना है। डॉक्यूमेंट सारे ये होते हैं, सभी के पास रहते हैं, बच्चों के पास होंगे। और सुबह 17 मई को सुबह 7 बजे आपको वहां पर पहुंचना है आर्टली सेंटर में। तो ऐसे जो भी है जाना चाहें जा सके, बहुत ही जबरदस्त मौका है। इसका कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप जो भी बात करना चाहें बात भी कर सकते हैं। बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर से। नगर निगम ने अब एक ड्रेस कोड लागू किया है अपने उन कर्मचारियों को जो कि कहीं पर अवैध कब्जा होता है, उसको हटाने के लिए, अवैध कब्जा छुड़ाने के लिए। उसके बाद जो सिविल ड्रेस पहन के जाते थे उसमें वहां पर उनका झगड़ा हो जाता था सिविलियन से, अब उनको आर्मी की, लगभग आर्मी की जैसी वर्दी दिखने वाली उनको आर्मी की वर्दी पहनाई गई है। और ये वर्दी इसलिए पहनाई गई है कि इनसे कोई लड़े ना, क्योंकि सिविलियन लड़ जाते हैं जब उनका अवैध कब्जा हटाया जाता है या कोई उन्होंने अवैध निर्माण कर लिया है, तो अब उनको आर्मी की वर्दी पहनाई गई है। और बता दें इसको लेकर पूर्व सैनिकों ने नाराजगी जताई है। और क्यों नाराजगी जताई है, उसमें पूर्व सैनिकों ने कहा कि इंदौर के नजदीक जो एमपी में ऐसा काम किया जा रहा है, पूर्व सैनिकों ने कहा कि इसके तहत सेवा के कपड़े यानी कि आर्मी के कपड़े भारतीय सेना का अपमान है। इस तरह से लोगों के दिमाग में सेना के प्रति नकारात्मक भाव जाएगा। अक्सर वे लोग सोचेंगे कि आर्मी इस तरह की कार्रवाई कर रही है, उनके घर गिरा रही है, उनका जो कब्जा है उसको हटा रही है, तो आर्मी की ड्रेस पहनकर जाएंगे तो आर्मी की बदनामी होगी, उनका अपमान होगा और आर्मी के प्रति लोगों में हीन भावना आएगी। तो पूर्व सैनिकों ने इसमें नाराजगी जताई है। अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर से। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और बताते राहुल गांधी ने एक टिप्पणी कर दी थी सेना में कि सेना में सैनिकों और अधिकारियों और अग्निवीर में जबरदस्त भेदभाव हो रहे हैं। इनको जो गरीब लोग हैं सेना में ओआर और अग्निवीर में जा रहे हैं, अधिकारी लोग अमीर लोग हैं वो अमीर लोग हैं उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, और जो गरीब तबके के लोग हैं उनको प्रायोरिटी कम दी जा रही है। उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन में बीजेपी ने शिकायत की है, याचिका डाली है और कहा है कि राहुल गांधी का ये बयान बिल्कुल निंदनीय है, सेना को बदनाम करने के लिए। और बता दें इसमें यह भी कहा गया है कि राहुल गांधी ने दो तरह के कहा था। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने दो तरह के सैनिक बनाए हैं, एक उन लोगों के बेटे हैं शामिल हैं जो गरीब और दलित आदिवासी पिछड़े अन्य वर्ग से आर्थिक रूप से कमजोर और अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे हैं, दूसरे वो है जो अमीर बेटे हैं, जैसे अमीर बेटे हैं। अब इनका यही कहने का मतलब है कि अमीर बेटे
का मतलब है कि जो ऑफिसर है वो अमीर है, वो अफसर बन के जाते हैं, और जो गरीब तबके के हैं बच्चे वो JCOR बनकर जाते हैं, अग्निवीर बनकर जाते हैं। तो इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और बीजेपी ने इसकी शिकायत की है, और बता दें इलेक्शन कमीशन में जो शिकायत की है उसके बाद कांग्रेस ने एक ट्वीट किया था जिसमें कहा था कि हम भी अब कोर्ट में जाएंगे इस तरह के ऐसे भेदभाव के लिए को लेकर। बीजेपी ने कहा कि कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। भेदभाव का एक सबसे जीता जागता उदाहरण है कि अग्निवीरों को MSP नहीं दी जाती है, अग्निवीरों को पेंशन नहीं दी जाती है। एक सर्वे हुआ था जिसमें 5,127 सैनिकों ने भाग लिया था, जिसमें कहा गया था कि MSP के असली हकदार कौन है। तो अफसरों के पक्ष में 7% लोगों ने कहा था कि अफसर असली हकदार है, MS के पक्ष में 4 लोगों ने कहा था, और वहीं JCO के पक्ष में 31% लोगों ने कहा था। वहीं OR और अग्निवीर के पक्ष में 58% लोगों ने कहा था कि असली हकदार MSP के JCOR है। तो जो असली हकदार है उनको MSP नहीं मिल रही है, और मिल भी रही है तो बहुत ही कम, मतलब 5,200 रुपए JCOR को मिल रही है, अग्निवीर को 0 मिल रही है, वहीं ऑफिसर को 15,500, MS को 10,800 मिल रही। तो कितना बड़ा भेदभाव है। अगर इस को लेकर इस भेदभाव को लेकर अगर कांग्रेस कोर्ट में जाती है तो ये मान लो कि इसमें भी कांग्रेस की ही जीत होनी है, क्योंकि ये भेदभाव बिल्कुल रियल है और सच में हो रहे हैं। जॉब से लेटेस्ट अपडेट है, बता दें अपर डिवीजन क्लर्क और लोअर डिवीजन क्लर्क मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती निकली हुई है, और ये भर्ती बता दें जो निकली हुई है 10वीं पास इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ये भर्ती जो निकली है ये तेजपुर यूनिवर्सिटी ने निकाली है। इसके जो फॉर्म थे 15/5/2024 तक भरे जाने थे, लेकिन इसकी डेट बढ़ा दी गई है, अब 25/5/2024 तक ये फॉर्म भर सकते हैं। जो भी तेजपुर और इसके आसपास के रहने वाले हैं वो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, इसकी लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।